तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड 18 डे रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 और 18 दिन में करते हैं, ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, और बी कितने दिन में करता है 18 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए 36, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आया 36। तो कैपेसिटी निकालिए 36/12, 3 यूनिट पर डे, और यहाँ पे 36/18, 2 यूनिट पर डे, ठीक है। ये हमारे पास कैपेसिटी आ गई, मतलब एक दिन का काम आ गया। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ए काम करना शुरू करता है, ए ने काम करना शुरू किया, और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। देखिए, अब ए ने शुरू में काम करना शुरू किया, ठीक है, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है कि 36 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, पहले ए काम करेगा, फिर बी। ये क्या है, एक साइकिल है, ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है, बार बार रिपीट होगा। तो एक साइकिल किस किस का है, पहले दिन ए ने काम किया कितना यूनिट, 3 यूनिट, फिर दूसरे दिन बी ने काम किया कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो एक साइकिल कितने दिन के बराबर है, एक और एक 2 दिन के बराबर है, ठीक है। और एक साइकिल में काम कितना होता है, 2 और 1 3 5, 3 और 2 5 यूनिट पर डे, ठीक है। एक साइकिल 2 दिन के बराबर है, और एक साइकिल में 5 यूनिट पर डे काम होता है, ठीक है। टोटल काम कितना है 36, तो आप देखिए 5 यूनिट के हिसाब से कितने साइकिल होंगे, 5 × 7 = 35, यानी 7 साइकिल में कितने काम हो जाएगा, एक साइकिल में 5 यूनिट होता है, तो 7 साइकिल में कितना होगा, 35 यूनिट काम, ठीक है। और 36 यूनिट काम करना था, तो 35 तो हमने कर दिया, बचा कितना, 1 यूनिट, ठीक है। अब 7 साइकिल में कितने, 7 साइकिल कंप्लीट होने के बाद, 3 4 5 6 7 होने के बाद ए दोबारा से इस काम को करेगा, ठीक है। 7 साइकिल कंप्लीट हो गए, अब ए की बारी आई। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, लेकिन ए को करना कितना है, 1। तो अब टाइम निकालिए इसका, ए का टाइम कैसे निकालोगे, वर्क कितना है 1, और कैपेसिटी कितनी है 3 की, तो 1/3 डेज आ गया। हमें क्या निकालना है, काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो 35 काम को करने में कितने दिन लगे, 7 साइकिल, एक साइकिल 2 दिन के बराबर है, तो यानी 7 × 2 = 14, यानी 35 यूनिट काम को कितने दिन में किया, 14 दिन में, ठीक है। और 1 यूनिट काम जो बचा हुआ था, उसको ए ने कितने दिन में किया, 1/3 दिन में, तो जोड़ दीजिए, तो 14 सही, 1/3 डेज, ये क्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है।